मुजफ्फरपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हथियार का भय दिखाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के शातिर बदमाश से एक देसी कट्टा और एक कारतूस को दबोच लिया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाते हुए अन्य शातिर फरार हो गए। पूरे मामले का खुलासा करते हुए आयोजित प्रेस वार्ता में नगर डीएसपी 2 बीनीता सिन्हा ने बताया कि अहियापुर थाना की टीम द्वारा वाहन चेकिंग के क्रम में झपहा ओवरब्रिज के नीचे 5 युवकों को संदिग्ध अवस्था में देखा था। उक्त 5 युवक पुलिस गाड़ी को देखकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागने लगे। भागने के क्रम में मोटरसाइकिल पर से एक बदमाश गिर गया। उक्त बदमाश पुलिस के द्वारा पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया। बदमाश की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर का रहने वाला चंदन कुमार के रूप में हुई है। वहीं पूछताछ के क्रम में बताया, अपने अन्य सहयोगियों के साथ झपहा उदन गांव में माइक्रो फाइनेंस के कर्मी सुभाष चंद्र गुप्ता को हथियार से घायल करते हुए उनके सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल एवं मोबाइल लूट लिए थे। आगे बताया कि लूटी हुई मोबाइल अभी इनके सहयोगी आदित्य कुमार अभिषेक कुमार के पास है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा बरामदगी तथा गिरफ्तारी के लिए आगे भी छापेमारी की जा रही है। आज भी कुछ निकालना है? प्लान अभी निकल रहा है, मैं बस निकलने वाला हूँ। कहाँ से? आज LS कॉलेज से निकलने वाला है, पूरा नगर वन नगर टू कम्बाइंड। 2024 को रात्रि करीब 10 बजे अहियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाहन चेकिंग तथा जो फिरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एक छापामारी का हम लोग एक दल गठित किए थे और उसी क्रम में झपहा ओवरब्रिज के नीचे 5 अभियुक्त 2 मोटरसाइकिल पर संदिग्ध अवस्था में पाए गए और उन्हें पकड़ने के क्रम में 4 अभियुक्त मोटरसाइकिल पर सवार होकर चले गए और एक अभियुक्त गिर गया था जिसे पुलिस बल की मदद से पकड़ लिया गया है, जिसका नाम चंदन कुमार, पेशर चुन्नू सहनी, साकिम कफेन, शहबाजपुर वार्ड नंबर 2 थाना अहियापुर गढ़ा ओपी का रहने वाला है और इनके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ है। इनके स्वीकारोक्ति बयान में इन्होंने बताया कि इनके जो सहयोगी अपराधकर्मी हैं वो ये सब मिलके इसी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो आने जाने वाले राहगीर रहते हैं उनसे बाइक छीनने का जनरली जो वारदात होती है उसको ये लोग अंजाम देते हैं और अभी 4 दिन पहले जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो कर्मी थे सुभाष चंद्र गुप्ता झपहा उदन गांव में उनकी बाइक जो सुपर स्प्लेंडर थी उसको छीनने के क्रम में इन्होंने हथियार से उन्हें ज़ख्मी कर दिया था और चंदन कुमार के द्वारा बताया गया कि इस घटना में ये शामिल थे और जो लूटी हुई बाइक है जो 643 केस नंबर की बाइक है वो अभी आदित्य कुमार जो इनके सहयोगी अपराधकर्मी हैं उनके पास है। आदित्य कुमार पेशर राजकुमार श्रीवास्तव, साकिम नू छपरा, थाना मीनापुर और इस संदर्भ में पुलिस द्वारा बरामदगी और अग्रतर गिरफ्तारी हेतु और भी छापामारी की जा रही है और अभी जो ये गिरफ्तार हुए हैं इस संदर्भ में अहियापुर थाना कांड संख्या 661/24 धारा 399/402 IPC और आर्म्स एक्ट के अंदर केस रजिस्टर किया गया है। इनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास? चंदन कुमार का भी कोई आपराधिक इतिहास निकल कर सामने नहीं आ पाया है, इस पर हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं लेकिन इनके गिरोह में जो पहले संतोष कुमार और सचिन कुमार थे जो कांड संख्या 398/24 में अभी जेल में हैं उनका एक काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। उनके ऊपर करीब 11 केसेस हैं जो सचिन कुमार के ऊपर रजिस्टर्ड हैं 392/302 इन सब धाराओं में और संतोष कुमार के विरुद्ध भी 10 केसेस हैं जो कि अहियापुर सिकंदरपुर और हथौड़ी थाना के हैं। तो किसी तरह के केसेस में ये इन्वॉल्व रहता था और इसका किस तरह का गिरोह है? ये गिरोह मेनली जो राहगीर जाते हैं उनसे हथियार का भय दिखाते हुए बाइक छीनने का काम ये लोग करते हैं और उस बाइक को फिर ले जाके बेच देते हैं। तो इस पूरे गैंग को हम लोग बस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कुछ लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, आज कल रात्रि में एक गिरफ्तारी हुई है और जो पिछली घटना जो 4 दिन पहले हुई थी उसमें जो झपहा वाली लूटी हुई बाइक है उसकी बरामदगी के लिए हम लोग जो इनके सहयोगी अपराधकर्मी हैं उनके गिरफ्तारी और उस मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए प्रयासरत हैं। अभी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस में हम काम करें कि हथियार कहाँ से उपलब्ध करते हैं और फिर जो बाइक भी इन लोग लूट के लाते हैं उसको कहाँ बेचा जाता है, इन सब पे पूछताछ जारी है इनसे।